Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S. K. Sinha. Hello students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे. तो students, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर के आया हूँ फ्रॉम द चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस. एंड द नेम ऑफ द थ्योरम इज कन्वोल्यूशन थ्योरम्स. दिस थ्योरम इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीई बीटेक बीएसएस एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस आल्सो. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको चैप्टर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन से प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, हाउ टू फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय पार्शियल फ्रैक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है. तो रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल MIS इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं. ओके तो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर उसी जोश उमंग और उत्साह के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नया टॉपिक लेकर के, एक नई थ्योरम लेकर के. तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम इसे स्टार्ट करते हैं. स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम. But before starting this theorem, first of all, subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर के अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे. मैं एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम. आइए स्टूडेंट्स. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एक्चुअल वे व्हाट इज कन्वोल्यूशन थ्योरम? सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके तो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन भी बहुत बार आ जाती है कन्वोल्यूशन थ्योरम की. तो सबसे पहले हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. लेट एफ टी एंड जी टी ओके बी टू फंक्शन लेट एफ टी एंड जी टी be two functions, then the convolution theorem, then the convolution, then the convolution of the two function of the two functions ft and gt denoted by एफ डॉट जी. ओके और बहुत जगह हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ स्टार जी. एक ही बात है स्टूडेंट्स, डॉट और क्रॉस, एफ डॉट जी और एफ स्टार जी. ओके इज डिफाइंड बाय द रिलेशन देखिए स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला है. F dot g is equal to integration 0 to t, okay, f of u into g t minus u du. Students, this is the definition of convolution theorems. कि दो फंक्शन है आपके पास, एक एफ टी है students, हमने दो फंक्शन हमने यहां मान लिए कि एक वन फंक्शन इज एफ टी एंड सेकेंड इज जी टी. ओके देन द कन्वल्यूशन ऑफ द टू फंक्शन, अब इन दोनों का कन्वल्यूशन ठीक है ना, एफ टी एंड जी टी डिनोटेड बाई दी एफ डॉट जी, इनके इन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन एफ एंड जी. ओके और एफ स्टार जी इज डिफाइंड बाई द रिलेशन मल्टीप्लाई एफ डॉट जी जीरो टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके और अब हम करते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम का प्रूफ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन प्लीज. स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. ओके लेट एफ टी एंड जी टी बी टू फंक्शन बी टू फंक्शंस एंड लेट G inverse
f bar s is equal to f of t and L inverse g bar s is equal to g of t, then L inverse, the multiplication of f bar s into g bar s is equal to integration 0 to t f of u g t minus u du. This is the statement of convolution theorem. तो हमने क्या प्रूव करना है कि दो फंक्शन है ft and gt be two function and their inverse and ft is equal to L inverse f bar s and gt is equal to gt is equal to L inverse g bar s. Okay, so then the product of the and product of their inverse f bar s and g bar s is equal to 0 t fu into gt minus u du. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को एक बहुत ही एक ग्राफ से समझेंगे, हम इसको एक फिगर से हम समझेंगे क्वेश्चन को, कि मेरे पास एक टी एक्सिस है या एक जो है कोई भी हम ले लेते हैं यू एक्सिस है या वाई एक्सिस है. ओके, तो वहाँ पे वो किस तरह की स्ट्रिप बनाती हैं, हमारे जो वेरिएबल्स हैं, जो इंटरवल हैं, जो इंटीग्रेशन के, ठीक है ना, ऑन द रीजन किस तरह के होंगे. ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स इसको प्रूव करते हैं. और स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और खासतौर पे बीएससी के लिए तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटेक के लिए भी, क्योंकि बहुत बार इसका पेपर में प्रूफ आ जाता है कि स्टेट एंड प्रूव कन्वोल्यूशन थ्योरम्स. ओके, तो आप इसको बड़े ध्यान से करेंगे, अच्छे से समझेंगे इसको और इसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं इसका प्रूफ ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. सो रेड एंड प्लीज, प्रूफ ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द डेफिनेशन of the convolution theorem and this is a statement of the convolution theorem. Now we will start the proof of the convolution theorems. Hi students. Okay, so first of all we have to show that L integration 0 to t f of u g t minus u du, gt minus u du is equal to f bar s into g bar s. ठीक है students, we have to show that, okay, because कि when this Laplacian operator L shift in this side then you get the L inverse of ये. ठीक है ना students, तो मैंने क्या कहा, we have to show that L 0 to t f of u gt minus u du is equal to f bar s g bar s. Okay, so taking its left hand side, okay, LHS. तो students अगर हम इसकी left hand side अगर take करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास. So therefore L integration 0 to t f of u g t minus u du, its left hand side is this. तो हमने ये take कर ली and this is equal to yes integration f of u g t minus u. तो students मैंने इसको लिखा, ये आपका f t है du. okay, तो 0 to infinity, okay, e raised to power minus s t, ऐसे लिखे इसको, f of u g t minus u integration 0 to t f of u gt minus u du du and the bracket close into dt, the distance into dt, yeah. Okay, so it means ऐसे. Okay, so here e raised to power minus st, this is your ft dt. तो इसको जो ये जो फंक्शन था ये पूरा हम अगर बाय द डेफिनेशन ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, बाय द डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग द एल 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू ई रेस टू पावर माइनस एस टी, दिस इज यूर एफ टी इन टू डी टी. ठीक है, मैंने यहां पे बाय द डेफिनेशन ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो नाउ आफ्टर दिस स्टेप, ओके स्टूडेंट्स चलिए, सो हैव यू एनी प्रॉब्लम द डेफिनेशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम. चलिए, ओके,
Now, okay students, तो ये है हमारे पास, so L integration 0 to T, okay, f of u g t minus u, okay, du, is equal to integration 0 to infinity e raised to power minus st, okay, तो ये dt को मैं इसके साथ shift कर दिया dt, and integration 0 to T f of u g t minus u into du, ठीक है students, तो ये है, तो इसके बाद नाउ इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी डी टी डी यू, चलिए दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी, ओके इंटीग्रेशन 0 टू टी, इसको कंबाइंड फंक्शन बना देता हूं मैं, ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ यू g t minus u, okay, dt into du, ठीक है students, okay, तो चलिए after this step to change the order, to change the order, limits are t is equal to 0, to t approaches to infinity, okay, and u is equal to 0 to u is equal to t, ठीक है students, u is equal to t, तो range of, अब यहां देखिए students, मेरे पास ये है, एक figure के according में आपको बताता हूं, इसको देखिए, this is your t axis and this is your u axis, a straight line is cut the u axis and the v axis from the between, ओके तो मेरे पास यहां पे एक स्ट्रिप है, ये देखिए ये स्ट्रिप है ऐसे और ऐसे, ठीक है चलिए ऐसे, दूसरी जो स्ट्रिप है वो है परपेंडिकुलर ऑन दी ऑन दिस लाइन, ओके ये स्ट्रिप ऐसे, ठीक है तो दिस इज इक्वल टू हेयर u इज इक्वल टू 0 एंड हेयर u इज इक्वल टू t एंड दिस इज t approaches to infinity and this is equal to t is equal to u here, right, and this point is O A and this point is B, ठीक है students, अब ये जो strip है this is your vertical strip and this is your horizontal strip, ठीक है तो और जो ये line है हमारी this line is OB and this strip is perpendicular on OB and this horizontal line and this vertical line is perpendicular on the OT, on the t-axis and this is on the OB, okay, so it means write down please, so therefore the range of integration okay, so the change to change the order of limits are t approaches to infinity to this is equal to t is equal to 0 to infinity, t is equal to 0 to t approaches to infinity and u is equal to 0 to u is equal to t, okay, okay, so chaliye students next is the range of integration in triangle OAB, कैसी रेंज होगी हमारे पास यहां पे द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इन ट्रायंगल ओ ए एंड बी, सो स्टूडेंट्स कंसीडर एन एलिमेंट स्ट्रिप फ्रॉम हियर, कंसीडर कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप parallel to t-axis, the element strip this is the parallel to t-axis, okay, t is equal to u to t approaches to infinity, okay, t
consider an elementary strip parallel to t-axis. One end to the strip lies on t is equal to u. The distance one end is lie on the t is equal to u. One end of strip lies on t is equal to u. ठीक है ना? Parallel to t axis, this parallel to t axis, one end is t is equal to u, and next is t is equal to u, and the other end, and the other end on t approaches to infinity. ठीक है students, one end is t is equal to u, and the second end is t approaches to infinity. Okay, so for this strip, u varies from, okay, u varies from u is equal to 0 to u is equal to 0 to u is equal to, u is equal to 0 to, अगर ये यहां से t approach to infinity करता है तो u approaches to infinity. ठीक है students, so therefore अब जो स्टेंस हमने ये ली है इसको हम ये लेते हैं, दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, राइट, समझ में आ रहा स्टूडेंट्स आपको कि जो हमारे पास ये जो स्ट्रिप है, दिस इज द पैरेलल टू टी एक्सिस, वेयर दिस वन एंड इज स्टार्टेड फ्रॉम टी इज इक्वल टू यू टू टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इट मींस द यू लिमिट वेरीज फ्रॉम यू इज इक्वल टू जीरो टू यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. ओके, तो therefore from equation number 1, so the equation number 1 becomes, okay, equation number 1 become L into integration 0 to t, this is your equation number 1, f of u g t minus u du, kiske equal hoga dekhe, is equal to integration 0 to infinity as it is, and this limit change according to the strip. So here this become integration u is equal to 0 u to t approaches to infinity, dekhiye, or e raised to power minus st f of u g t minus u du into dt, dekhiye students, theek hai na, according from equation number 1. Okay, so because here u is equal to t, so this equation change according to this step. Okay, from the triangle OAB, so I repeat, consider an element on the strip is parallel to t axis, is t is equal to u to t approaching infinity, this is horizontal line, and the vertical line where t is equal to varies from u is equal to 0 to u approaches to infinity, where u is equal to t, but here in this strip t approaches to infinity, so it means u varies from u is equal to 0 to u approaches to infinity. Okay, so now therefore from equation number 1, so according to this strips, this figure, we can change this limit, this become u to infinity. So, e raised to power minus f to t and du into dt. Right? So, iske baad students, chaliye, ab humne kya karna hai? Okay. Now, okay. So, ye hamare paas aa gaya from equation number 1 se. Ye. Theek hai? To chaliye. So this is equal to now L integration 0 to t f of u g t minus u du is equal to, okay, integration 0 to infinity e raised to power minus st f of u du, okay, and integration u to infinity, okay students, integration u to infinity e raised to power this, okay, इसको मैं ऐसे करता हूँ, u की जो form है f of u du into integration 0 to u to infinity e raised to power minus st gt minus u dt. ठीक है students,
Okay, f of u du and e raised to power minus stft dt. So students, yahan pe ab main put isko, now put t minus u, put t minus u ko maine put kiya y. Okay, so it means t minus u, it means students, ye kaisa ho gaya yahan pe, this implied that t is equal to u plus y. Okay, and dt is equal to dy. ठीक है, तो when we put limit here, put t minus u is equal to u, this is 0 and infinity, so here this become integration 0 to infinity f of u du, and the limit from here, when we put u is equal t is equal to u, y is equal to 0, so it means limit from 0 to infinity. Put, क्योंकि स्टूडेंट्स यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि लिमिट चेंज होंगी. तो व्हेन वी पुट t इज इक्वल टू u, इट मींस u माइनस u इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या हो गई यहां पे, 0 लिमिट इंफिनिटी, हियर दिस इज इंफिनिटी. ओके, e रेज़ टू पावर माइनस s इनटू व्हाट इज योर t, u प्लस y इनटू z, t माइनस u को आपने पुट किया y, इनटू dt इज dy. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, चेंज हो गए ना सभी, हमने क्या पुट किया कि t माइनस यू को मैंने पुट किया y. ओके, okay? तो t इज इक्वल टू u प्लस y, u शिफ्ट इन दिस साइड एंड dt इज इक्वल टू dy. ठीक है ना, तो चलिए अब इसके बाद हम और इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं. इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ u du, 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस यू इंटू e raised to power minus sy g of y into dy. ठीक है students? Okay. तो after this step, then this is equal to, चलिए, integration 0 to infinity, okay, e raised to power, इसको हम इसके साथ pair बना देते हैं, e raised to power minus su, e raised to power minus su fu du, okay, f of u du into integration 0 to infinity e raised to power minus sy g of y dy, e raised to power minus su f of u du, this is the product rule, product, and here this is equal to f bar s into g bar s. Dekhiye students, because you know by the definition of the Laplace transformation, e raised to power minus st, agar students इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी किसके इक्वल होता है, f बार s, तो सेम कंडीशन यहां पे है, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क ये है, जो फंक्शन हमारा है वो u में है, जो फंक्शन हमारा है वो y में है, कोई दिक्कत नहीं है. तो दिस इज इक्वल टू f बार s एंड दिस इज इक्वल टू g बार s. ओके, तो नाउ देयरफॉर l इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ u g t minus u du is equal to f bar s into g bar s. Okay, and this implied that integration 0 to t f of u g t minus u du is equal to this Laplacian operator, shift in this side, then this become L inverse f bar s into g bar s. Hence proved. देखिए students, ये मैं प्रूव करना था इन convolution theorem. ओके, तो students, दिस वॉज द प्रूफ ऑफ convolution theorem. बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है students, बहुत बहुत most important proof for you. ओके, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये convolution theorem का प्रूफ बहुत अच्छे समझ में आ गया है. ओके, तो अब मैं स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करता हूं, और उस एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में convolution theorem को अकॉर्डिंग टू फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं यहां से. ओके, चलिए
ओके क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन या फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम by convolution theorem 1 upon s into s square plus 4 ये question students very important okay find the Laplace transformation by convolution theorem okay students तो चलिए now solution of this question देखिए कैसे करना है हमने question अपने mind में convolution theorem को fit बैठा लीजिए आप कि हमारी कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या थी और हमने सबसे पहले क्या पुट किया था और उसको हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल इनवर्स हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म या फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम और फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम्स ओके तो चलिए स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एल इनवर्स वन अपॉन एस into 1 upon s square plus 4 is equal to L inverse 1 upon s into L inverse 1 upon s square plus 4 ऐसे लिखिए आप इसको ठीक है common for all question okay ये first function first is L inverse 1 upon s and second is s square plus 1 okay let f bar s is equal to 1 by s and g bar s is equal to 1 upon s square plus 4 ठीक है स्टूडेंट्स तो अब हमने क्या करना है now its inverse therefore l inverse f bar s is equal to L inverse 1 upon s and L inverse g bar s is equal to L inverse 1 upon s square plus 4 ऐसे कीजिए आप इसको okay and this is equal to here this is your 1 और ये this is equal to f of t and means L inverse f bar s and L inverse g bar s is equal to 1 upon 2 sine 2t is equal to gt is equal to gt okay चलिए now by convolution theorem okay and students you know the formula of the convolution theorem is kya formula is convolution theorem ke liye hamare paas l inverse f bar s into g bar s is equal to integration 0 to t f of u g t minus u du okay this is the formula of the convolution theorem to chaliye ab according to convolution theorem isko fit karte hain yahan pe l inverse okay तो हियर f बार s इज यस 1 अपॉन s इनटू 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t f ऑफ u यानी कि t की वैल्यू अगर मैं यहां u पुट करता हूं अगर t को मैं u पुट करता हूं तो इट मींस दिस इज योर 1 एंड gt माइनस u यहां पे देखिए स्टूडेंट्स दिस इज gt माइनस u du f ऑफ u यानी कि ft is equal to 1 f of u is equal to 1 t is equal to u और यहां पे t को हम क्या क्या मानेंगे t minus u तो t minus u करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 2 sin 2 into t minus u du देखिए स्टूडेंट्स समझ में आ गया ना आपको आई रिपीट कि जो आपने l इनवर्स इसका निकाला हमने दो हमारे पास जो कन्वोल्यूशन थ्योरम होगी जो हमारे पास फंक्शन होगा उसको हमने टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है फर्स्ट इज f बार
S, second is G bar S. तो हमने उनका inverse ले लेंगे, ठीक है ना, और उनके inverse को हम according to by the convolution theorem यहाँ put कर देंगे. देखिए L inverse 1 upon S 1 upon S square plus 4 is equal to the formula 0 to T, और जो इसका inverse लेने के बाद आएगा हमने उसको FT ले लेंगे, यहाँ पे हम इसको G देंगे. तो here T is equal to U, F of T U according to formula, this is U is 1 and T minus U is sin 2 T minus U DU. ठीक है students, तो चलिए this is equal to, चलिए 1 upon 2 इंटीग्रेशन 0 टू t, ओके, एंड यस साइन 2t माइनस साइन 2t माइनस 2u इंटू du. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2, ओके, इस इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस ऑफ 2t माइनस 2u डिवाइड बाय माइनस 2, ओके, इट्स इंटीग्रेशन इज, ये देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू t, देखिए 1 अपॉन 2 इस इंटीग्रेशन इज साइन माइनस कोस 2t माइनस 2u अपॉन एंड माइनस 2u अपॉन माइनस 2 एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू t, ओके. तो चलिए स्टूडेंट्स अब पुट करते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके, यहां कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है ना. तो क्या है L इनवर्स, ओके, 1 अपॉन s into 1 upon s square plus 4 is equal to, चलिए this is 1 by 2 into, first of all upper limit यहां put करते हैं students, तो क्या जाएगा ये 2t minus t, ये क्या हो गया, this is 1 by 2 और ये minus minus plus, this is 4, और upper limit के लिए क्या हो गया ये 2t minus 2u 1, and lower limit के लिए आपके पास हो जाएगा ये, this is minus ये 0, तो ये आ जाएगा आपके पास cos 2t माइनस cos 2t. देखिए स्टूडेंट्स दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रॉम द कन्वोल्यूशन थ्योरम, ओके, ओके, तो कितना इंपॉर्टेंट मेथड है और कितना इजी है. इजी स्टूडेंट्स ये तब है जब आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसको करेंगे कि एक्चुअल में कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या करना है हमने, ठीक है ना. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन गिवन होगा, सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि स्टेप नंबर 1 में हमने जो फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एफ बार एस एंड जी बार एस, राइट. उसके बाद हमने इनवर्स निकालना है, यू नो द बाय द कन्वोल्यूशन थ्योरम, एल इनवर्स एफ बार एस जी बार एस इज इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू, ओके, वहां पुट कर देंगे. ए फंक्शन को एफ ऑफ यू मानेंगे, दूसरों को हम टी माइनस यू से करेंगे, ठीक है, और उनको इंटीग्रेट कर देंगे एंड द लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, देन वी गेट द आंसर ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम. स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको द स्टेट एंड प्रूफ ऑफ द कन्वोल्यूशन थ्योरम्स विद एन एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझ में आ गई है. और स्टूडेंट्स इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा, डेफिनेटली, ओके. तो स्टूडेंट्स बताइए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टेट एंड प्रूफ कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आर्टिकल क्वेश्चंस इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूं. तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.